तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की गई जान, 335 नए मामले भी सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1700 के पार चली गई है। जी हां, अपने देश भारत में कोरोना के केसों में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। अभी हाल ही में बीते रविवार को कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की जान फिर से चली गई है, जबकि 335 नए मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से देश में सक्रिय मामलों यानी कि एक्टिव केसों की संख्या 1701 हो गई है। वहीं अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र यानी कि भारत सरकार ने राज्यों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं कर्नाटक में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए मास्क पहनने को फिर से जरूरी कर दिया गया है। वहीं अभी हाल ही में कई राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कहा गया है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। केरल और तमिलनाडु में 2 मामले JN1 उपस्वरूप के आए हैं। इसके लिए राज्यों को लोगों को मास्क लगाने के साथ भीड़ से दूरी बनाए रहने की सलाह दी जाए, ऐसा कहा गया है कई राज्यों को। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अपने देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा होने लगा है। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है JN1 के नाम से, इसका जो उपस्वरूप है इसके भी मामले पाए गए हैं। इसी की वजह से केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकारों से कहा है कि जहां जहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहां पर जो भी सख्ती हो सकती है उसको लागू किया जाए, जो भी नियम हो सकता है उसको लागू किया जाए। बाकी जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक राज्य में तो मास्क पहनने को पहले की तरह फिर से अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि मास्क लगाना ही होगा। इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, दिसंबर के इसी महीने में आ सकती है कोरोना की नई लहर, JN1 वेरिएंट ने बढ़ा दी है टेंशन, एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी। जी हां, एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि हर नई लहर दिसंबर के दौरान आती है, इसीलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खास करके दिसंबर के आसपास। INSA COG के सलाहकार और बोर्ड के सहअध्यक्ष डॉक्टर सैमित्र दास ने अभी हाल ही में बताया है कि बढ़ते हुए कोरोना के वेरिएंट JN.1 ने छुट्टियों के मौसम में कई देशों में कहर बरपा कर दिया है, मगर यह अभी भारत में खतरनाक नहीं है। लेकिन जो कोरोना का JN.1 वेरिएंट है उसने कई देशों में तबाही ला दी है। कई देशों में पहले की तरह लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, बिल्कुल वैसे तो नहीं हुए हैं लेकिन सख्ती बढ़ गई है। हालांकि अभी कोरोना के इस वेरिएंट के मामले अपने देश में ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया 2 मामले आ चुके हैं कोरोना वेरिएंट JN.1 के। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोरोना के इस वाले वेरिएंट के मामले आने वाले दिनों में बढ़ेंगे तो सरकार सख्ती बढ़ा सकती है, मास्क को लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। वहीं अगर किसी इलाके में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इतनी उम्मीद है, हमने कोरोना को इतने अच्छे से जान लिया है, वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों ने इतने अच्छे से जान लिया है कि पूरे देश में लॉकडाउन की संभावना बहुत कम है या कह सकते हैं नामुमकिन है। लेकिन इलाकों के हिसाब से, शहर या जिले के हिसाब से सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे कि कई जगहों पे बढ़ा भी दी गई हैं, केवल अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में। तो हो सके तो जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं, या आपको पोल्यूशन से भी बचाएगा और कोरोना से तो बचाएगा ही। देखिए एक और बड़ी खबर के, चीन के गासू किघाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, 116 लोगों की गई है जान, 200 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल, पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, चीन के नॉर्थ वेस्ट में गासू और किघाई प्रांतों में बीते सोमवार यानी कि 18 दिसंबर की रात भयंकर भूकंप आया। जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता यानी कि तेजी 6.2 थी, जो कि खतरनाक मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। बात की जाए चीन की, तो इस भूकंप की वजह से चीन में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अगर कुछ लोग मलबे में दबे होंगे तो आने वाले दिनों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। देखिए अगली खबर, सिम कार्ड लेने के लिए बायोमेट्रिक पहचान होगी जरूरी, यानी कि उंगलियों के निशान देना। जी हां, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बीते 18 दिसंबर को लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया। इस बिल में टेलीकॉम एजेंसियों को यानी कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जियो एयरटेल वगैरह, तो इनको उपभोक्ताओं यानी कि ग्राहकों से सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से ग्राहकों का बायोमेट्रिक पहचान करना जरूरी होगा। आसान शब्दों में कहें तो इस बिल के लागू हो जाने के बाद जब भी कोई नया सिम लेगा तो उसका बायोमेट्रिक होना जरूरी होगा। दोस्तों आपको बता दें, बायोमेट्रिक वही चीज होती है जो आपको आधार कार्ड बनाते समय उंगलियों के निशान देने पड़ते हैं, तो ये एक बहुत तगड़ी पहचान होती है। अगर इस तरह से पहचान करके कोई सिम कार्ड जारी कर दिया जाएगा और ऐसे ही जारी किया जाएगा तो आने वाले दिनों में सिम कार्ड लेते समय कोई भी बंदा फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बायोमेट्रिक पहचान करानी जरूरी होगी। वहीं बताया गया है ये बिल एक और काम करेगा कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, साथ ही में मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। आसान शब्दों में कहें तो इस नियम के लागू होने के बाद सरकार के पास टेलीकॉम कंपनियों को लेकर या उसकी सर्विसों को लेकर या उसको सस्पेंड करने को लेकर ज्यादा अधिकार आ जाएगा। बताया गया है बिल में जो बदलाव होने वाला है, तो उनमें कई नियम ऐसे हैं जो 138 साल पुराने हैं,
बाकी आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है, सही से लागू हो जाता है, तो आने वाले दिनों में इसकी अधिक जानकारी आएगी और हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे कि इससे आप पर क्या असर होगा, यानी कि आम जनता पर। खैर आइए देखते हैं अगली खबर के ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं हुई खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है, केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी हो। जिया वाणसी की ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मंगलवार 19 दिसंबर को अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में वाणसी की सिविल कोर्ट को इन्हें 6 महीने में पूरा करने के भी आदेश दिए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो वाणसी में जो मस्जिद वाला एरिया है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की थी, अपनी तरफ से कई बातें कही थी, तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को मुस्लिम पक्ष की उन सभी बातों को खारिज कर दिया और ये कहा है कि जो हिंदू का पक्ष है इस मामले में सुनने लायक है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। देखिए अगली खबर के गुजरात से अयोध्या 33 साल बाद फिर से होगी रथ यात्रा। ये 14 शहरों से होकर गुजरेगी। जी हां, 1990 के दशक की रथ यात्रा ही की तरह एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात एमपी यूपी के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को ये रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट न्यूरा निप रथ यात्रा इसको आयोजित कर रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाएगा। देखिए अगली खबर के तमिलनाडु में बाढ़ से गई 3 लोगों की जान, ट्रेन में फंसे 800 यात्रियों को निकालने की हो रही है कोशिश। जी हां, तमिलनाडु के दक्षिणी जिले इन दिनों बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। दरअसल इन जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालातों में 3 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच बताया गया है कि भारी बारिश से तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में ट्रेन यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पे ट्रेन की सेवाएं रुक गई हैं, कई स्टेशनों पे पानी भर गया है। वहीं ट्रेन सेवाएं बाधित होने पर भारी बारिश की वजह से 800 यात्री एक ट्रेन में फंसे हुए हैं। इन सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगली खबर, 78 सांसदों के निलंबन पर संसद में विपक्ष ने किया हंगामा, मोदी शाही मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर पीएम मोदी ने भी अभी हाल ही में बयान दिया है और ये कहा है कि संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी थी, कुछ पार्टियां ऐसा लगता है कि उसका समर्थन कर रही हैं। जी हां, अभी हाल ही में बीते 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं बताया गया है उस दिन से लेकर अभी तक राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। बताया गया है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया गया है। बात यह है कि विपक्षी पार्टियां दोनों ही सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में हंगामा कर रही थी। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था, हालांकि ये बात रखने का तरीका हंगामे में बदल गया। इसी की वजह से बताया गया है ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा से और राज्यसभा से कुल मिलाकर 92 सांसदों को निलंबन कर दिया गया है। अब जो लोग संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में हंगामा कर रहे हैं, यानी कि जो सांसद या जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की, तो इस पर पीएम मोदी का भी बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि संसद की सुरक्षा उल्लंघन जितना खतरनाक है उतना ही उसका समर्थन करना है। पीएम मोदी ने कहा है कुछ पार्टियां यानी कि कुछ दल एक तरह से संसद में सुरक्षा उल्लंघन का समर्थन कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो शायद पीएम मोदी ने ये कहना चाहा है कि हंगामा न करते हुए बल्कि इस मामले को लेकर चिंता की जाए। जो अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में चूक हुई, 2 लोग किसी भी तरह से संसद के अंदर घुस गए और धुएं वाला बम छोड़ दिया, तो इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस पर पीएम मोदी या बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि इस मामले में गहराई से निंदा करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। देखिए अगली खबर के सीएम के गीता पर हाथ रख के कसम खाने का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के सीएम विधानसभा में बोले, सरकारी भर्ती में जो भी अधिकारी गड़बड़ी करेगा मैं उसे बर्खास्त यानी कि सस्पेंड कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। तो उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री का। देखिए अगली खबर के लालू यादव बोले, क्या है मोदी, मिलकर हटा देंगे। गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली के लिए निकले। गिरिराज ने कहा, हिम्मत है तो नीतीश मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। जी हां, अभी हाल ही में लालू यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर या कहले बीजेपी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी क्या है, हम सभी पार्टियां मिलकर उनको हटा देंगे। दोस्तों आपको बता दे, आज 19 दिसंबर को ही दिल्ली में INDI की बैठक होने वाली है, यानी कि एक जो गठबंधन बना है जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं, ये पार्टियां आपस में इसलिए मिल गई हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को हराया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री ना बन सके। तो इसी गठबंधन की बैठक आज मंगलवार को होने वाली है। देखिए अगली खबर के सोना चांदी की कीमतों में फिर से आया उछाल, आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, आज मंगलवार को सोने के दाम में 110 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 62,770 रुपए का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 300 रुपए का उछाल आया है, जिसके बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 78,000 रुपए हो गई है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान
कुछ दिनों के लिए आपके पास थोड़े सस्ते में सोना खरीदने का मौका है, यानी कि सोने में पैसा लगाने का मौका है। देखिए अगली खबर। क्या आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का है मौका। 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 6,199 रुपए। 22 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें ये स्कीम सरकारी है। सरकार एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका दे रही है। बॉन्ड की नई सीरीज बीते सोमवार को खुल गई है। इसमें 22 दिसंबर तक निवेश करने का मौका है। इस दौरान सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 6,199 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। आपको बता दें ये भाव अभी जो सोने का दाम है उसके हिसाब से 50 रुपए कम है, यानी कि आपको प्रति ग्राम पर 50 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत सोने में पैसा लगा सकते हैं। अगर सोने का दाम बढ़ेगा तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, यानी कि जो ये स्कीम है निवेश की, उसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा अगर आप नहीं जानते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस बारे में YouTube पर ट्रस्टेड चैनल का वीडियो देख सकते हैं, जो आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे। देखिए अगली खबर। गेमिंग एसेसरीज पर आज से होगी ऑफर्स की बर्फबारी। सस्ते में खरीद सकेंगे गेम खेलने से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट। जी आज 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के लिए अमेजन पर ग्रैंड गेमिंग डेज की शुरुआत हो रही है, यानी कि इस दौरान आपको गेम खेलने को लेकर या इससे जुड़े जो भी सामान होते हैं वो सस्ते में मिलेंगे। चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो या गेमिंग से जुड़े हेडफोन हो या कोई और चीज हो, उन सभी पर आपको कई तरह के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अमेजन की वेबसाइट को या ऐप को विजिट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पर कितना ऑफर मिल रहा है। देखिए अगली खबर। मैडम तुसाद में लगे रणवीर सिंह के 2 वैक्स स्टैचू। इस पर रणवीर सिंह ने कहा कि जहां कभी मेरे पेरेंट्स फोटो खिंचवाते थे, अब उसी म्यूजियम में मेरा स्टैचू है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने वैक्स स्टैचू लॉन्च किए। इस म्यूजियम में रणवीर के एक नहीं बल्कि 2 वैक्स स्टैचू लगाए गए हैं। अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस इवेंट की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि एक समय था जब इस म्यूजियम में आकर मेरे पेरेंट्स यानी के माता पिता फोटो खिंचवाते थे जो दूसरे सेलिब्रिटी के स्टैचू है उनके साथ, लेकिन आज वो दिन है जब मेरा स्टैचू इस म्यूजियम में लगाया गया है। देखिए अगली खबर के सनी देओल की अगली फिल्म में होंगे सलमान खान। कॉल करके सनी देओल ने कैमियो रोल की रिक्वेस्ट की थी। जनवरी में शूटिंग शुरू होगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सनी देओल की एक ऐसी फिल्म आ सकती है जिसमें आपको सलमान खान का कैमियो रोल देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए, जैसे कि पठान मूवी में थोड़ी देर के लिए सलमान खान का रोल आया था। देखिए अगली खबर के मलाइका की कमर पर हाथ रखकर दिव्यांग ने दिया पोज। इंटरनेट पर वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने मलाइका के व्यवहार की तारीफ की। देखिए अगली खबर के हमास के वीडियो में इजरायली बंधक बोले, हम मरना नहीं चाहते हैं, हमें यहाँ से निकालें। जी हमास ने बीते सोमवार को 3 इजरायली बंधकों का एक वीडियो रिलीज किया। तीनों बंधक की उम्र 80 साल के करीब है। वीडियो में उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से आजाद कराया जाए, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। हम यहाँ और बूढ़े नहीं होना चाहते, न ही हम इजरायली सेना के हमले से मरना चाहते हैं। हमें यहाँ बहुत ही मुश्किल हालातों में रहना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर लाल सागर में हुती विद्रोहियों से जहाजों की रक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बना रहा है। बात यह है कि अभी हाल ही में यमन के हुती विद्रोहियों ने कई जहाजों पर कब्जा किया, उसको हाईजेक किया इसराइल का कह के। तो अब इन लोगों के लिए अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर एक फोर्स बना रहा है ताकि इन हुती विद्रोहियों को सबक सिखाया जा सके। बताया गया सहयोगी देश में ब्रिटेन, बहरेन, कनाडा, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल है, साथ ही में अमेरिका तो है ही। तो अब हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। देखिए अगली खबर के महिला ने साथियों के साथ युवक की जान ली। उज्जैन में डंडे और सरिये से बेदम होने तक पीटा, बाइक भी तोड़ी। वहीं युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बताया गया 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन महिला फरार है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।